बुज़ुर्गों को जो बेसहारा बुज़ुर्गों को हम यहाँ पे लाकर उनकी देखभाल कर उनकी हेल्थ का, उनका मेडिसिन का और उनका फूड का और उनकी दीनदारी का आखिरी वक्त तक भी जो बेसहारा लोग हैं उनको हमें एक ओल्ड एज होम ओपन कर उनको एक ये बना कर ही। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज होम का काम नहीं, जितने भी उम्मत के फलाही कामा ही, जैसा कोई भी एक क्राइसिस आया, कोई भी फ्लड आया या कोई भी ऐसा उम्मत के जैसा कोरोना बाकर बहुत सारा हर आवाम को तकलीफों को है, आवाम को जो भी तकलीफ के टाइम पर हमें साथ देना को एक पूरी टीम बनाकर हमें काम कर ही, जिसमें ये COVID-19 के टाइम पर ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हमें एक प्रोजेक्ट लेकर ही, इसमें लगभग 18,000 से 20,000 लोगों तक अब तक खाना पहुंच कर है। इसका मुकम्मल जिम्मेदारी हमारी ओल्ड एज होम की टीम, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे दूसरे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने लेकर शुरू कर ही, जिससे बहुत ज़्यादा गरीबों को और बेसहारा लोगों को जो रास्तों पे भीख मंगो खा रही वो उनको सब लेकर जाकर पहुँचा रही खाना, घर के तक भी खाना पहुँच कर है तनवीर सेठ साहब के डायरेक्शन पर। और बहुत से एरियाज जो आइडेंटिफाई नहीं करे थे दूसरे वॉलेंटियर्स, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर ले जाकर ये खाना पहुँचाया जा रहा है। रोज में 1 मन 2 मन कभी 3 मन तक भी पकाना पड़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ने को जा रही है, कम नहीं हो रही है। उसका मुकम्मल डिटेल्स हमारे प्रेसिडेंट साहब जो ये जिम्मेदारी लेकर खड़े हैं, ये पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, उन्होंने पूरा डिटेल्स उन्होंने तुमना देते हैं। मेरा नाम शेख मकसूद है, मैसूर ओल्ड एज होम चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसे ये कोरोना वायरस का शुरू हुआ, हम रमजान से पहले हमने जो है ना एक प्लानिंग की, मैंने ये बात हमारे कमेटी के मेम्बरों से, मैनेजमेंट कमेटी से रखी। मेरी बात पे लगभग करते हुए कई हमारे अराकिन मेरे साथ देते हुए उन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और जो है ना खाने का निज़ाम हमने शुरू करें और जो है ना हमारी ग्रुप में डाले। मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे डोनर्स का, हमने शुरुआत में जो है ना एक दो दिन पकाया, उसका खर्चा जो है ना कम से कम हमारा 5,200-5,300 रुपया आया। जैसे ही हमने 5,000 रुपये की बात रखी, कई लोग जो है ना 5,000-5,000 रुपये एक दिन में 24 आवर्स में जो है ना बुकिंग हो गए पूरे महीने के। अब जो है ना डबल बुकिंग हो गई है, डबल बुकिंग भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन की पूरी हो गए। आज से हम 3 मन का खाना पका रहे हैं, 120 KG डेली। आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना 800 से 1,000 लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं और खाना जो है ना इधर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हमारे वॉलंटियर्स, मैं उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे वॉलंटियर्स 50 पैकेट 100 पैकेट 150 पैकेट 25 पैकेट भेज जाके उन उनके एरिया में हुडको में हरी करे तक नेशनल डिपाल्डिया
शांति नगर, औसा नगर, सत्या नगर, कैसरे, जितने भी हम सारे मुझे है ना, जो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या, इरेस्पेक्टिव ऑफ मसलक, हम जो हिंदू नहीं रहते, मुसलमान नहीं रहते, जो भी फूका है ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा जा रहा है। कल जो है ना, एक हमारे एक दोस्त जो इंग्लैंड में काम करते हैं, डॉक्टर शानदार सलाम साहब, उन्होंने उनके दोस्तों में मिलकर जो है ना 1,00,000 रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने कहने कि 1 मन ज़्यादा पकाओ मेरी तरफ से, पूरे रमज़ान तक पकाओ गए, इंशाल्लाह हम पूरे रमज़ान तक ये चलते रहेगा, फी सबीलिल्लाह जो है ना हम खाना बांटते रहेंगे, और पैकिंग करके पूरा हाइजीन का मेंटेन करके, आप देखे होंगे ये पूरा जो है ना दिल्ला ऐसे ये लड़के काम कर रहे हैं, किसी को एक रुपया नहीं, किसी को नहीं, अपनी जेब के खर्चे पैसे डाल के गाड़ियों में जाके दूर दूर तक मुकामात पर गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करके खाना बांट रहे हैं। मैं इनका कितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। और जो है ना हमारे जो है, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, सारा मस्जिदों में, कब्रस्तानों में, यहाँ वहाँ रहते हैं, उन लोगों को लाकर हमने सहारा देकर उनको खाना पीना कपड़ा लत्ता उनकी मेडिकेशन, अब जो है ना हम ये एक ICU यूनिट भी बनाने वाले हैं, उसमें जो है ना एक BP मॉनिटर, इंशाल्लाह ECG, ऑक्सीजन मास्क, और जो है ना नेबुलाइजर वह पूरा इंतजाम कर रहे हैं। और हमने जो है ना, आपको पता ही होगा कि एक हेल्थ सेंटर का भी आगाज़ किया है। हेल्थ सेंटर में सिर्फ और 40 और 50 रुपीस में जी कंसल्टेंसी, BP चेकअप, शुगर चेकअप, और जो है मेडिसिन पूरा जो है ना मुफ्त देने का जो है ना हमने इंतजाम किए हैं जी। इसका ऑलरेडी हमने जो है ना आगाज किया हुआ है, ये करोना वायरस से जो है ना ये बंद हुआ है, इंशाल्लाह जैसे ये खत्म होगा वो भी हमारी सहूलत होगी। इसके साथ साथ हमारा जो है ना आइंदा जाकर एक वुमेन्स विंग, ओल्ड एज होम की जो बेसहारा औरतें हैं, शिद्दत उसकी सख्त ज़रूरत है मैसूर में, और इंशाल्लाह हम वुमेन विंग्स भी जो है मनसरिफ खोलने वाले हैं। लिहाजा ये मौजूम पर मैं आप तमाम से जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं उनसे आज जाना मतबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे वर्ल्ड न्यूज़ में आए, उसका मायना करें हर तरीके से। हमने रमज़ान से आने से पहले, ये कोरोना वायरस रमज़ान से पहले ही चल रहा था, हमने जो है ना काफ़ी जो है ना इंडिविजुअल तौर पर जो है ना रेशन बांटने का भारत नगर में है वहाँ जो है ना हम काम करें। उसके बाद जो है ना इस ज़रूरत महसूस हुई, लोग जो है ना काम नहीं, लोगों को जो ऑटो ड्राइवर है, बड़े बुंडे तलने वाला है, तरकारी बेचने वाला है, जो जरूरतमंद है हो सकता है उन्हें 500-600 कमाता होगा, लेकिन उसे कमाई नहीं है, उन्हें रोजा क्या खोलेगा, शहरी क्या करेगा जी। इस हिसाब से हम सोचते हुए जो है ना घर में एक घर को कम से कम 2 पैकेट सर या एक पैकेट दे तो, ताकि उन्हें रोजा भी खोल देता और शहरी का भी उसका जो है एक छोटी सी हमने शुरुआत की है जो है ना हर एक एरिया से वॉलंटियर्स को जो है ना आइडेंटिफाई किया है, उनके जिम्मे दिए हैं, और हमारे वॉलंटियर्स को हमने ये उनको हिदायत दी है कि अगर घर में जाके पूछो, अगर दो बंदे हैं उनको 1 पैकेट, अगर 5 बंदे हैं तो 2 पैकेट, अगर 10-12 बंदे हैं तो उनको 3 पैकेट, ताकि उनका पेट भर जाए जी।